आज मैं आपको इस वीडियो में मारुति सुजुकी अल्टो के बारे में बताऊंगा। बजट कार अल्टो को टेस्टिंग के दौरान भारत में देखा जा चुका है, जिसके बाद से ही इस कार के लॉन्च होने के आस लगाए जा रहे थे। कंपनी इस कार को 2021 की दूसरी छमाही में लॉन्च करना चाहती थी। अब इस कार की लॉन्चिंग में देरी की खबरें आ रही हैं। लॉन्च में देरी की वजह कोविड-19 संक्रमण माना जा रहा है। अब आ रही नई रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी अगले साल 2022 के बीच में इस कार को लॉन्च कर सकती है। मारुति सुजुकी अल्टो कंपनी की सबसे सफल कारों में से एक रही है। भारत में बजट कारों को काफ़ी पसंद किया जाता है। कम कीमत के चलते यह कार हर जनरेशन में खूब बिकी है। इसकी पॉपुलरिटी को देखते हुए कंपनी इसकी नेक्स्ट जनरेशन मॉडल भारत में लॉन्च करने वाली है। नई अल्टो के बदलाव के साथ बाजार में आएगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि नया मॉडल हार्टेक प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा, जिसका इस्तेमाल वैगनार और एस्प्रेसो में किया जाता है। कार में 660 सीसी नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 49 BHP की पावर जनरेट करता है।